की कड़ी मेहनत के बाद आज चार योद्धा सेमीफाइनल्स में खड़े हैं। उनका एक बार दिल खोल के तालियों से स्वागत कीजिए, राजीव निगम, विक्रांत और रश्मि, कृष्णा, सुदेश और मिलिसा, राजीव ठाकुर, सलोनी और स्मिता, एंड शरद भारती और परेश। आज इन सेमीफाइनलिस्ट के बीच होगा कॉमेडी का महासंग्राम, जिसके बाद सिर्फ तीन तिकड़ियां होंगी अगले हफ्ते के ग्रैंड फिनाले में। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे ऑसम फॉसम के लिए। सर्कस तीन का तड़का में आपका स्वागत है। इस देश में हर रोज कोई ना कोई त्योहार या उत्सव मनाया जाता है। किसी भगवान का जन्मदिन तो त्योहार, किसी का नामकरण तो उत्सव, आज पप्पू पास हो गया तो भी सेलिब्रेशन। तो क्यों ना हम आज का शो इन त्योहारों और ओकेजंस के नाम कर दे। सेमीफाइनल्स तक इन तिकड़ियों का आना भी तो हमारे लिए और इनके लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। तो प्लीज वेलकम सारे त्योहारों की खुशियों पर हंस हंस के अमावस का खौफ लगाने वाली अर्चना पुरन सेन, और हंसी बांटने के ओकेजन पर लाइन में सबसे आखिरी खड़े होने वाले रोहित शेट्टी। इस बालिका वधु की विदाई का मौका है और कहारों के साथ इस मौके पर धोखा हुआ है। देखते हैं कि क्या ये बालिका वधु अपने ससुराल कभी पहुंच भी पाएगी या नहीं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शरद, परेश एंड भारती। अरे रुको, अरे बंद करो, अरे बरातियों कितना तेज चल रहे हो, मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं चल सकता। देखिए इसके नखरे, दो एपिसोड में क्या चल गया, आज फिर मना कर रहे कि नहीं चलेगा। डोली चलाओ। ए मोटी, शुगर कर, पूरी खोली के माल को डोली में ले जा रहे हैं। ज्यादा एहसान नहीं कर रहे मुझ पे। हाँ तो खुद पे जुल्म तो कर रहे हैं ना। अरे पहले पता होता कि बहू तो बहुत है, तुम तो पहले ही मना कर देते। ज्यादा बात मत करो, मेरे पापा ने डोली उठाने के पैसे दिए, जल्दी डोली चलाओ। अरे तेरा बाप तो एक नंबर का कमीना है, कमीना। आपको कैसे पता? अरे पता तो होगा ना, जब डोली बुक करने आया था तब पैसे कम करवाए थे, ये बोल के कि मेरी फूल सी बेटी को डोली में ले जाना है। फूल के बजाय पूरा बगीचा लदवा दिया इन्होंने। तेरे बाप को पता है कि बाल विवाह अपराध है? बाल विवाह? उन्हें कैसे पता होगा, वो तो टकलू है। अरे ऐसे नहीं, इसके कहने का मतलब है कि तेरे बाप ने तेरी शादी बहुत जल्दी करवा दी। हाँ, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। देख खेलने तक ठीक है, कूदना मत तू, वरना फ्रैक्चर हो जाएगा। नहीं आएगा, I'm a complain girl. अबे complain girl, तुझे फ्रैक्चर नहीं आएगा, तू धरती के जिस हिस्से पे कूदेगी ना वहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। और तेरे पति को पता है कि उसकी शादी तुझसे हुई है? नहीं, मेरे पति ने मुझे अब तक देखा ही नहीं है। हमारे में ना मुंह दिखाई शादी के बाद होती है। अभी तक नहीं देखा? नहीं। खत्म। जब तुझे देखेगा सबसे पहले तेरे बाप को जाके देखेगा और कहेगा देख लूंगा साले तुझे। ज्यादा जुबान मत चलाओ, डोली चलाओ। अब मैं डोली नहीं चला सकता, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। हमें खा जा। जी? इसका बाप इतना कमीना है ना। हाँ? मैंने कहा जी कुछ चाय पानी हो जाए, तो कहने लगा कुछ क्यों, मेरी तो सारी चाय पानी ही है। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आप दोनों ना कब से ये डोली उठाने का धंधा करते हो? कब से कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि कल से छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा जब छोड़ो तब छोड़ो, पहले मुझे मेरे ससुराल छोड़ो। चल भाई चल। 200 किलोमीटर दूर। क्या 200 किलोमीटर? तेरे बाप ने तो कहा था कि सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। मेरे बाप ने तो मुझे भी भूल कहा था, बगीचा निकली ना, जल्दी चलो। अर्चना कुछ याद आया, एक तुम्हारे वक्त शादी में डोली उठाने में प्रॉब्लम हुई थी और एक आज हो रही है। अर्चना की भी डोली तुम दोनों ने उठाई थी? और नहीं तो क्या, अर्चना को देख के तो डोली की चीख निकल गई थी, कहने लगी इतने बड़े बड़े डोले वाली को कहां डोली में घुसेड़ रहे हो। हाय रब्बा,
ऐसे लोगों की भी शादी होती है। धोनी को कौन टाल सकता है। लेकिन शादी कैसे हुए थे मुझे पता है। कैसे? अरे विदाई के वक्त भी जोर जोर से हंस रही थी। और तो और, पंडित जी जब मंत्रोच्चार करने लगे तो ये खड़ी हो गई। ओ, क्यों? कहने लगी, पंडित जी बहुत अच्छे मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ? शादी के बाद जब पंडित जी ने इसे रुद्राक्ष दिया, हाँ? कहने लगी, रुद्राक्ष बेकार है, इसमें पंच नहीं है। अरे फिर क्या, फिर पंचमुखी रुद्राक्ष लाके दिया। अब जाके मानी वो। और पंडित जी से खुश होकर कहने लगी, पंडित जी आई वॉन्ट टू टेक यू होम। परमीत परमीत बेहोश, सीधा सुहागरात के दूसरे दिन उठा। होम से मुझे याद आया, हा? मुझे भी मेरे होम छोड़ो। मैंने सुना है ये जगह बड़ी खतरनाक है, यहाँ डाकू रहते हैं। हाँ, गहने जवाहरात लूट लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने गहने पहने ही नहीं। अरे पहनने चाहिए थे। क्यों? पता नहीं अब क्या लूट ले। मतलब? अरे मतलब क्या पता हमें ही लूट ले। टफर कहीं के, तुम लोगों को कैसे लूटेंगे? अरे कुछ पता नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। अरे उन डाकुओं में से कोई ऐसे वाला निकला तो। अगर ऐसे वाला निकला तो ये तो गया ना। तबड़क 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 आवाज आ रही है मुझे। अरे हाँ, लगता है डाकू आ रहे। मैं तो भाग रहा हूँ ना। अरे मैं भी आ रहा हूँ। रुको, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। रुको, रुको, तुम मुझे इतनी अंधेरी रात में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर अंधेरे की बात रोशनी करती ना तो शायद मैं रुक भी जाता, लेकिन तेरे लिए बिल्कुल नहीं, छोड़ दे। रुको, रुको, मैं डाकू से अकेली कैसे लड़ूंगी, मैंने तो ढंग से डिनर भी नहीं किया। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दे। मासा डैडीसा। थैंक यू चेतक। अरे अरे घोड़ा होके गधी के पास क्यों जा रहा है वे? अरे ये दोना लिए छे छे गोली क्यों चला रहा है? कहाँ छुके तुम लोग? ए चलो बाहर आओ फटाफट, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है यार। प्लीज बारा, आज तो दुल्हन को उठा के ले जाऊंगा। अबे ओ डाकुओं की अर्चना पूरन सिंह, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। किसने पंच मारा? मैंने नहीं मारा। अरे वो तो मुझे पता है, हम तुझे पंच देंगे तब तू मारेगा ना। आज तो उठा के ले जाऊंगा दुल्हन को। बात से तो नहीं पलटेगा? अरे नहीं पलटूंगा यार, ठाकुर हूं ठाकुर। लगी शर्त? अरे लगी शर्त, अगर दुल्हन को नहीं उठाया तो मेरा माल तेरा, वरना तेरा माल मेरा। ओके। चले दुल्हन बाहर निकल। अरे निकल बाहर, क्या है वे? नमस्ते आंटी, जरा दुल्हन को बाहर भेजो। ओए, मैं ही दुल्हन हूँ। चल बे चाइना की बालिका वधू, ज्यादा शान पट्टी नहीं, असली दुल्हन को बाहर भेज। यही दुल्हन है? ये दुल्हन है? ये ले मेरा माल तेरा। अबे ओ रुक, मैं हूँ सोनी इंस्पेक्टर। सोनी इंस्पेक्टर? वैसे तो सब इंस्पेक्टर होता है। सो शब पे आ रहा है, सोनी भी आ रहा है ना, इसीलिए सोनी इंस्पेक्टर। You are under arrest. नहीं। Scared, 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 scared. छुड़ाओ अर्चना दीदी। तो अर्चना आपसे शुरुआत करेंगे, कैसे लगी आपको ये बालिका वधु? आप लोगों को मुझे अब रॉयल्टी देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव मी रॉयल्टी फॉर ऑल द पंचेज ऑन मी, पूरा एक सेगमेंट मेरे ऊपर। But nice act, Bharti, Sharad and Paresh, all of you, very, very nice, nicely written, nicely well-rounded act, Bharti. It was well-balanced and it was like a very, very enjoyable act. So, great. Thank you. It was an entertaining act and Paresh, you were fabulous. Bharti, Sharad, aap tino. Overall, ye jo act tha, it was like an entertaining, wholesome act. Yeah. It was really a comedy circus ka act. चलिए सेमीफाइनल्स हैं, मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अर्चना,
I think it was a great act and I'd like to give it a 9. 9 points! Rohit? I'll give it 10. It was an entertaining act. आज के सेमीफाइनल्स की जंग लड़ने के बाद अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले में होंगी कौन सी तीन तिकड़ियां? साथ ही और किन किन सरप्राइजेस से भरा होगा हमारा फिनाले? जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हफ्ते के लिए। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ पे चांद की इम्पोर्टेंस अचानक बढ़ जाती है, है ना? वैसे पूरे साल चांद उगता डूबता रहता है, तब कोई नहीं पूछता। इनके घर करवा चौथ पर चांद खुद चल के आए हैं। Please put your hands together for Rajiv Nigam, Vikrant and Rashmi. मेरा पहला करवा चौथ है। वैसे शादी के 8 साल पहले से मैं करवा चौथ के व्रत रखते आती हूँ अपने बॉयफ्रेंड बंटी के लिए। एक वो था जो हमेशा मेरे घर पे लेट हुआ रहता था, और एक मोया मेरा पति है, हमेशा की तरह 8 फेर लेट हो गया, न जाने कहाँ मर गया। अब क्या बात है डार्लिंग, तुम तो आज बड़ी कमाल लग रही हो, एकदम राप चेक पटाखा। हाँ, किसका इंतजार है? तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। क्या? वो आज करवा चौथ है ना, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद नहीं नजर आ रहा, उसी को ढूंढ। ऊपर कहाँ देख रहे हो, नीचे देखो। ओके। ए, इतना नीचे नहीं। तू कौन है बे? मायसेल्फ चांद। बोलो तो मिस्टर मून। हाय हनी मून। बात बताओ मिस्टर मून, कहाँ चले गए थे बोर्ड लगा के कमिंग सून? मेरी पत्नी तड़प रही थी। हाय तड़प रही थी, एक मिनट, तड़प रही थी तू? जरा तड़पो। ए रुक। सुबह से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। अच्छा, तेरे घर में नल में पानी नहीं आता है? ए कैसा एड़ा चांद है बे, कुछ समझता ही नहीं है। अरे व्रत की वजह से पानी नहीं पिया इसने। अच्छा तो मैं आ गया हूँ ना, देखो मुझे और तोड़ो अपना व्रत। पहले ये तो बताओ लेट क्यों आए? तुम्हें क्या लगता है दुनिया में एक ही गोविंदा है क्या? अंतरिक्ष का गोविंदा हूँ मैं। शक्ल से तो तू बिल्कुल तुषार कपूर। ए? उसका उसका बॉय लगता है। फालतू बात क्या, मैं चला जाऊंगा यहाँ से अभी। एक तुम अपना मुंह बंद रखो जी, मुझे पूजा करने दो। पूजा करो। क्या शर्मा रही हो? वो क्या है ना, आपको आज सामने से पहली बार देखा तो शर्मा रही है। अरे सुनो, चांद के साथ साथ पति की भी पूजा करनी पड़ती है। अबे तो तू बीच में क्यों फुदक रहा है, इसके पति को आने देना। ए? मैं इसका पति हूँ। अच्छा तू पति है? हाँ। पति ऐसा होता है? ऐसा लग रहा कोई गुजराती थेपला बना रहा था, ये बन गया ये। देखो मिस्टर चांद, हाँ तुम चांद हो तो चांद की तरह बिहेव करो, समझे, ज्यादा फैलो मत। अरे तो मैं कौन सा सूरज टीना और जिमी की तरह बात कर रहा हूँ, वो तीनों तो है भी नहीं यहाँ पर। बे साले। ए! अरे जी, देखो जी, मेरा मूड मत खराब करो, फालतू बात किया तो मैं भी भूल जाऊंगा आज करवा चौथ, मैं भूल जाऊंगा मैं चांद हूँ, वोट डालूंगा अभी। चांद जी, चांद जी, उनकी तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ, आपको माफ कर दीजिए उन्हें। साला बोलता मेरे को। वो क्या है ना, हमारे बच्चे ना आपको चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा कहते रहते, इसलिए इन्होंने आपको साला कह दिया। हिंदुस्तान के सारे बच्चे मेरे को चंदा मामा चंदा मामा बोलते, समझ में नहीं आते पूरे हिंदुस्तान में मेरे कितने जिज्जे घूम रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ? आप अपनी साइज के बारे में बताइए। आज करवा चौथ है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि आप कभी पूरे आते हैं। अच्छा, कभी आधे आते हैं, कभी कभी तो आप आते ही नहीं। वो क्या है, देखो असल में क्या है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ मैं। जब कभी कभी मैं करीना कपूर को देख लेता हूँ तो साइज जीरो हो जाता हूँ मैं। और जब कभी कभी अजनान सामी को देख लेता हूँ तो पूरा फुल हो जाता हूँ मैं। और हाफ कब होता है? जब कभी मैं नाना पाटेकर को देख लेता तो मैं हाफ हो जाता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम लोग इधर ठहरो, मैं जरा अभी ये करके आया मैं। रुक 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 रुक, मैंने तो सुना है कि चांद पे पानी है नहीं, निकालेगा क्या? अबे तुम लोगों ने तो बहुत कुछ सुना है कि चांद पे प्लॉटिंग हो रही है, किधर प्लाट कटा हुआ देख। है? तुमने तो सुना होगा चांद पे बहुत गड्ढे। अबे बातें सुनने में कुछ नहीं होता है, अरे एक आध छोटे मोटे गड्ढे तो है धरती पे भी होते हैं। अच्छा एक बात बता, मैंने तो ये सुना है कि जब अमेरिका वाले चांद पे आए थे तो उन्होंने एक झंडा गाड़ दिया था अपना।
क्या हुआ? दुखती रख पे हाथ रख दिया मेरी। कमबख्त वालों को मैं ढूंढ रहा हूँ, अमेरिका वालों को तो झंडा गाड़ के गया था, ऐसी जगह झंडा गाड़ के गया। आज भी तकलीफ हो रही मुझे, इधर कोई झंडा गाड़ता है? मैंने सुना है आज तक चांद पर बहुत सारे लोग चढ़े, कौन कौन लोग आए थे आप पर? ये नीचे वाले भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सुन के बैठे हुए हैं। फालतू बात करती है, मैं किसको पहचानूं? सब हेलमेट लगा के आते, हेलमेट लगा के चले जाते हैं। मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि एक बार एक इंडियन आदमी आया था। वो कैसे मालूम? वो बगैर हेलमेट के आया था। अच्छा। हाँ। वो बगैर हेलमेट के आया था, इसलिए वो इंडियन था। नहीं नहीं, मैंने उससे पूछा हेलमेट कहाँ है, मेरे को 20 रुपए थमा के निकल गया। इसीलिए ये बता बेटे, तू इतनी इंक्वायरी कर रहा, तू है कौन बे? मैं करता क्या, क्या बेचता क्या है तू? मैं बेचता बेचता कुछ नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ, राइटर हूँ। राइटर है? नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ काम क्या करता है तू? गाने लिखते हैं। अबे गाने लिखता है? एक मिनट, मैं तेरे को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। मैं लिरिक्स राइटर को बहुत दिन से ढूंढा, मेरी जिंदगी खराब करके रखी तुम लोगों ने। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? क्या बिगाड़ा? मेरा जेंडर बिगाड़ के रख दिया है। कभी बोलता चांदी हो महबूबा मेरी, कभी बोलता चंदा मामा। अबे आदमी हूँ, औरत हूँ, हूँ कौन मैं? गाने लिखेगा? फालतू गाने लिखता है? चंदा मामा दूर के, पुआ पकवाए पूर के। मैंने कभी आज तक चाय नहीं बनाई, ये पुआ पकवाना मेरे से? अरे वो सब गाने हैं, हलवाई हूँ मैं, हलवाई हूँ मैं, वो सब गाने जाने दो यार। मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं हंसी तुमने मेरे चांद से? चांद बोला नहीं नहीं नहीं। अबे कब पूछा मेरे से? कब पूछा? देखा है? अपनी आइटम दिखाया मेरे को? नहीं नहीं, वो सब गाने देखे, डायरेक्ट बोल दिया नहीं। अरे वो सब गाने हैं चांद भाई, वो गाने जाने दो ना। कुछ भी गाने लिखता है? रुक जा, रात ठहर जा चंदा, ये गाना लिखा है इसने। अबे मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं ठहरता हूँ, तेरे यहाँ क्यों ठहरूं? मैं इसको मार इसलिए रहा हूँ ताकि हम तीनों इडियट मिलकर के आप लोगों को मैसेज दे सके हैं कि आदमी कितना भी गलीच हो, लुच्चा हो, टुच्चा हो, कमीना हलकट हो, लेकिन हिंदुस्तानी नारी इतनी होती है कि अपनी पति की लंबी उम्र के लिए फिर भी व्रत रखती है, पूजा करती है। खड़े खड़े देख क्या रहा है, पैर छू? मैसेज मैंने दिया, पैर उसके, पैर उसका छू। थैंक यू, थैंक यू। विक्रांत, are you okay? आपको इतना मारा उन्होंने, मुझे इतना बुरा लग रहा था आपके लिए। चलिए देखते हैं हमारे जज का क्या कहना है। रोहित, आपसे शुरुआत करेंगे। राजीव, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि you done a fabulous job. एक तो ये कॉन्सेप्ट ही मैंने पहली बार देखा है कि चांद आके बात कर रहा है, सर्फ से धुला के लाए। चांद अब्बास भाई मस्तान भाई होके आए। सॉरी अब्बास भाई मस्तान भाई। द वे इट स्टार्टेड और एक हाई पॉइंट आया जब वो गानों की बात हुई, इट वॉज वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग आई वुड से. And it is comedy. It was comedy. Thank you very much. It was a fabulous act. Thank I liked it. Raju, tumne likha? Haan. Bahut acha likha. Aur beech mein to it was brilliant. Very well, you know, put together. Rashmi, your performance was fantastic. And Vikrant, you also are doing such a fine job. I think ye jo abhi ye tigdi bani hai, ye bahut hi dhamakedar tigdi hai. And you are going to be a danger to the others, definitely. Chaliye to dekhte hain aapko kitne tare dikhate hain, Rohit. This is for the uniqueness of the act. Wow, 10 points! Archana, aaj ke semi-final mein kitne number dengi aap inhe? A full 10. Woo! 10 points! Well done! महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब लोगों ने कम खर्चे में त्योहार मनाने के तरीके ढूंढ लिए हैं। ये फैमिली भी कंजूसी की हद है इस मामले में, एटलीस्ट इनकी दिवाली देखकर इनके दिवाले का हिसाब लगा सकते हैं। प्लीज वेलकम राजीव, स्मिता एंड सलोनी। महंगाई में कंजूस आदमी ऐसे क्रिकेट खेल सकता है? नमस्ते अर्चना जी, थोड़ी इनको भी दे देना, महंगाई में इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता। महंगाई इतनी हो गई है उसका अंदाज़ा आप बढ़ती पॉपुलेशन से अंदाज़ा लगा लो। एक रुपये की माला डी नहीं अफोर्ड कर सकते। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते कि हम सब की वैल्यू सिर्फ एक रुपया है। अगर वो लोग एक रुपया खर्च लेते तो हम सब यहाँ ना होते। लेकिन कंजूस आदमी का महंगाई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा खानदान तो इतना कंजूस है, बिल्ली भी रो के हमारे घर से बाहर जाती है।
दूध पीने को दिया नहीं, मेरा चूहा छीन के खा गए। बेटा इधर मच्छर है, इधर मच्छर है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। डैडी इन पटाखों से तो धुआं निकल ही नहीं रहा। बेटा हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाते हैं। खुद पोल्यूशन फैलाते हो, दिवाली इको फ्रेंडली मनाते हो। बेटा ये तो महंगाई का धुआं है, पता नहीं कहां कहां से निकल जाता है। नहीं ये सस्ती मूली के पराठों का धुआं है। अब धुआं मत छोड़ो, पटाखे छोड़ो। मेरे पास नहीं है। झूठ, मोहल्ले वाले कहते हैं तुम्हारे पापा के पास बहुत मस्त पटाखा है। न खुद चलाता है ना हमें चलाने देता है। बदतमीज मोहल्ले वाले, बेड़ा घर को तुम्हारा, दूसरे की बीवियों को पटाखा कहने वाला। वैसे पटाखा तो है मिसेस शर्मा। हाय मैं लूट गई। जिसने लूटा वही ले जाए। आ गई बांग्लादेश की राजधानी का सारा अनाज खाने वाली औरत। बेटा तू क्या दिवाली मनाएगा, दिवाली तो तेरे बाप की है। लेकिन मैं दिवाली मनाऊं कैसे? अरे कमबख्त मारे मेरे साथ मना, और कैसे? तेरे साथ दिवाली, तेरे साथ सुहागरात मनाने को दिल नहीं करता। सुहागरात के दिन मुझे कह रही थी डार्लिंग उल्टबाजी मार के दिखाऊं। वो तो मैंने मना किया, फूल खराब हो जाएंगे, मुझे सुबह वापस करने थे। माँ इन्होंने तो अभी शर्म भेज दी, आप ही मुझे पटाखे ला कर दो। बेटा कहाँ से ला के दू पटाखे, पिछले साल जो तेरे लिए फुलझड़ियाँ खरीदी थी उसकी वजह से अभी तक तेरे बाप के पैजाम में गिरवी पड़े हैं। हे भगवान गलती हो गई, मैं इस घर में पैदा हो गया। अबे तो किसी और के घर में पैदा हो जाना था, मैंने तुझे SMS किया था कि मेरे घर में पैदा हो। अच्छा नहीं ला के दोगे पटाखे? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं सारे पंच भूल जाऊंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, तेरे भरोसे तो हम चल रहे हैं। मैं ला के देता हूँ तुझे, मेरे पास एक फुलझड़ी पड़ी है उसकी 20-25 जेरो उसको आके तुझे देता हूँ। आपके कारण हर त्योहार ऐसे ही जाता है। सारे बोलो मेरा बाप हाय 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 हाय। तुम दोनों ना एक त्योहार मना लो, जाओ करवा चौथ। करवा चौथ ताकि तुम्हारे एक वक्त का खाना बच जाए। पता नहीं कैसा आदमी है, घर के लिए स्पेशल कैलेंडर छपवाया है जिसमें हर 6 दिन के बाद एक करवा चौथ होता है। 7 सालों में 1080 करवा चौथ मना चुकी हूँ। आपकी हरकतें देखकर मुझे अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं तो मैं लुट जाऊंगी। मतलब DNA टेस्ट का खर्चा कौन देगा? माँ अब DNA टेस्ट करवा दो, हो सकता है खर्चा किसी और को देना पड़े। माँ अब बाप बदलो है? बेटा बहुत देर हो चुकी है, क्यों फिकर कर रही हो? माँ मेरे पास ऑफर पे ऑफर है। 1, 4, 5 बाप लेंगे, होली किसी के साथ, दिवाली किसी के साथ, और ऐसे करते करते किसी पे दिवाली का बर्डन भी नहीं आएगा। लेकिन बेटा तेरी माँ पे जो बर्डन आएगा उसका क्या? अकेले मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। बाकी कपड़े बर्तन वो कौन करेगा बता? I love you papa। ओए मैं भी। उसके लिए आपको रख लेंगे। ये मेरा खून है ही नहीं। सही कहा। शुक्र है कोई तो बॉम्ब फूटा। अब मैं ना सारे मोहल्ले में जाकर यही बॉम्ब फोड़ूंगा। नहीं बेटा नहीं, तुझे पटाखे चाहिए ना? तो क्या 1 घंटे से RDX मांग रहा हूँ। सुरिंदर अंकल। अबे वो सुरिंदर नहीं है, महंगाई की वजह से सिद्धू साहब सुरिंदर बन गए हैं। अच्छा ठीक है, तो कृष्णा अंकल और सुदेश अंकल को बताता हूँ। बेटा उनको बताने के लिए नाचना गाना पड़ेगा। तो चाचा आपसे पहले शुरुआत करेंगे, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? आई थॉट कि सलोनी ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट द लाइन्स राइट एंड She's only how old? 8 years old. Okay, lekin for an 8-year-old to be little under rehearsed and yet to be there till the end of the act, I thought was really, really very good, Saloni. So, in places it was still very nice and very cute. And Saloni, as always, you are too, too good. Thank you. आप लोग semi-finals तक आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं. एंड आज उस लेवल तक का परफॉर्मेंस नहीं जा पाया जो आप लोग देते आए हैं, जो आप लोग का परफॉर्मेंस रहता है, बट वो होता है. इट्स लाइक ऐसा नहीं कह रहे क्यों ऐसा हुआ,
इट कैन हैपन विद एनीवन. अच्छा परफॉर्मेंस था बट नॉट टू दैट लेवल जो आप लोग करते आए. चलिए तो मार्क्स में कितनी कंजूसी करेंगी आप अर्चना? आई विल गिव यू अ 7. 7 पॉइंट्स. इट वाज अ डिसेंट एक्ट. आई विल गिव यू 8. 8 पॉइंट्स. बारातियों का स्वागत तो हम कर ही लेंगे मगर एक बात तो हम कहना भूल ही गए. अरे डरिए नहीं, अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले है तो अपना अगला सैटरडे अभी से ऐसे प्लान कीजिए कि सारे काम खत्म करके आप रात 10 बजे फ्री हो जाए और टीवी के सामने बैठे. होली पे चंदा मांग रहे हैं सुदेश जी. देखते हैं किसके घर गए हैं और चंदे में क्या क्या मिला है इन्हें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कृष्णा, सुदेश और मेलिसा का. हेलो हेलो हेलो. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की. तालियां. आप क्या सोच रहे हो भी दिवाली तो है नहीं, ये मुबारक क्यों दे रहा है ना, सोच रहे ना? और ये आप मुझे बताओगे कि कौन सी मुबारक दूं मैं कौन सी ना दूं? हाँ नहीं ना, तो फिर आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो. तालियां. अर्चना जी आपको याद है ना पिछली होली में मैं आपके घर पे आया था तो आपको रंग लगा दिया था मैंने, तो परमीत ने गुस्सा कर लिया कि मुझे तो लगा दिया अब अर्चना को भी लगा दो. पता क्या, ये त्योहार होते हैं ना ये मुकद्दर से मिलते हैं. मैं हर त्योहार बड़ी खुशी से मनाता हूँ सिर्फ एक रक्षाबंधन छोड़ के. क्योंकि इसमें जो लड़कियां होती हैं ना बड़ी बदतमीज होती है, कोई भी गंदा लड़का देखा ना तो भैया भैया कहना शुरू कर देती हैं. तो सुरेंद्र अब कितनी बहनें बन गई हैं. मैं कोई भी त्योहार मनाता हूँ ना जब, तो मैं खूब पैसा लगाता हूँ, खूब पैसा, क्योंकि मैं चंदा लेके लगाता हूँ. अभी मैं चंदा इकट्ठा करने जा रहा हूँ होली पे. किसी ने जाना मेरे साथ? क्या आप भी? आपने मुझे अब बुलाया? पिछले 2 महीनों से आपको लाइन दे रही हूँ. कौन हो तुम? चंदा. चंदा हो तो फिर घर पे बैठो, आजकल त्योहार चल रहे हैं, कोई पर्ची काट के ना ले जाए तुम्हें. ओफो, मेरा नाम चंदा है, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ. मैंने सुना आप आपके फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छे संबंध है. संबंध की बात करती हूँ, इतने अच्छे संबंध है मेरे फिल्म इंडस्ट्री में, मैं कहता हूँ इतने अच्छे संबंध तो शाहरुख और करण के भी नहीं होंगे. आप शाहरुख को जानते हैं? जानते हो, कभी शाहरुख मिले ना उसे कहना सुदेश लहरी मिला था, उसी वक्त कहेगा ये कौन है. मिलना तुमने एक्टरों को? हाँ. तो चलो मेरे साथ, मैं चंदा मांगने जा रहा हूँ, तुम रोल मांग लेना. चलो. ये किसका घर है? ये धर्म जी का घर है. एक मिनट बेल बजाता हूँ, एक मिनट. ए टिंग टोंग. धर्म जी का ये. ए टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग. आगे. कौन हो तुम दोनों? सर जी आप हमको नहीं जानते, हम टैलेंटेड लोग हैं. गलत एड्रेस पे, आमिर खान का घर नहीं है ये. नहीं सर जी, हम होली का चंदा लेने आए हैं आपके पास. बकवास बंद करो. अच्छा ये बताओ ये कौन है? जी मैं चंदा. चंदा? तो चंदा लेने आए हो कि देने आए हो? और नहीं सर जी, फिलहाल तो लेने ही आए हैं. ये तो बेचारी स्ट्रगल कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती है. स्ट्रगल कर रही है तो यहाँ क्यों लाए हो? मेरे पास पहले से घर पे कई स्ट्रगलर हैं. अगर एक आध की कमी है तो ले जाओ. सर जी आप कभी कभी ऐसी बात कर देते जो सबको पता है. बकवास बंद करो. तो चंदा चाहिए ना. एक मिनट सनी. ओ नहीं सर जी, सनी को नहीं हम लेके जाएंगे, चाहे 11 रुपए की पर्ची कटवा दो. सनी. ओए कौन हो तुम दोनों? सर जी आपने हमको पहचाना नहीं, हम पिछली बार भी चंदा लेने आए थे आपके घर पे. और मैंने तुम्हें चंदा नहीं दिया था ना? अन्य अन्य. अच्छा ये बताओ तुमने कितना चंदा जमा कर लिया है? सर जी हमने तो शुरुआत ही आपसे की है, आपके घर पे आए हैं. बहुत अच्छा किया. अब एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. कितने अच्छे आदमी है. अच्छे आदमी नहीं, 10% लूंगा मैं. तो सर जी कैसी बातें कर रहे, 5% तो चंकी पांडे मांग रहा है, कहता आप घर पे बैठो मैं इकट्ठे करके लाऊंगा. चलो यार मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, यहाँ लेने के देने ना पड़ जाए. चलो. ये टू क्या कर रहे हो? सर जी हम खन्ना साहब के घर जाना है. वो घर पे नहीं मिलेंगे, वो तो यहीं रहते हैं. अच्छा भाड़े पे. अभी बुलाता हूँ मैं उनको. काका काका. अरे यहाँ क्या करने आए हो रे? ओ सर जी हम होली का चंदा लेने आए थे. तो होली से ही ले लो ना.
अबे सीरियस क्यों हो रहा है, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ रे, ये कॉमेडी सर्कस है। अच्छा जी बता दो दिया करो, बंदा फिर हंस ले। अच्छा ये बताओ कि लड़की कौन है रे, क्या करती हो तुम? सर जी ये स्ट्रगल करती है और इसने हीरोइन बनना है। हीरोइन बनना है तो यहाँ पे कोई काम नहीं है रे तेरा। और एक काम कर, तू इसको कोई डायलॉग क्यों नहीं देता रे? सर जी इसको 3-4 दिए थे, पता नहीं कहाँ गिरा ये। अरे ऐसे गिरे हुए बंदों से मैं बात नहीं करता रे। पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। ओ कमाल है यार। चलो फिर। दरवाजा आपने अब खोला, मैंने सोचा बाहर आ चुके हो। पाई लागू। जीतू रहो बेटी। जीतू साहब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने भी बेल अपनी आवाज में लगाई है। अरे ये तो मेरी आवाज ही है यार, दिस इज माई ओनली टाइम पास। तुम यहाँ क्या करने आए हो यार? सर जी मैं होली का चंदा लेने आया हूँ। मैं तुम्हें चंदा नहीं दे सकता। और सर जी आप बेइज्जती कर रहे हो हमारी, अगर आपने 2 मिनट के अंदर अंदर चंदा नहीं ना दिया तो क्या कर लोगे? फिर हम वेट करेंगे थोड़ी, और क्या करेंगे। कमाल कर रहे हो आप। हाँ एक बात बताओ तुम करती क्या हो? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। सर जी अपनी बेटी को कह के इसको छोटा मोटा रोल ही दिला दो, चाहे हीरो ही दिला दो। अरे कितनी छोटी बात है यार ये, अभी फोन लगाता हूँ। नंबर क्या है उसका? 9322-4455-9322-25। ओके हेलो बेटी, एक काम करो यार, मैं तुम्हें एक लड़की को भेज रहा हूँ, उसको अपने सीरियल में काम दे देना। ओके बाय। क्या हुआ, मना कर दिया? अरे वो मना कैसे कर सकती है, मैं उसका बाप हूँ, उसने तो फोन ही काट दिया। लेकिन तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। एक काम करो, गेट आउट फ्रॉम हियर। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना ये लोग। अबे चिरकुंडे तुझे बोल रहा हूँ, तू गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल इधर से। तू और मैं एक ही बिरादरी के हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? मेरी गाड़ी? हाँ। अरे मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है। चलो देख लो ये फिल्म जैसी का हाल, मैं चंदा लेने गया था, इन्होंने मेरी चंदा छीन ली। कितनी गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अकेले चंदा मांगूंगा। किसके घर जाऊं? ये किसका घर है? चलो बेल बजा के देखते हैं। ये अर्चना जी का घर। ओ आ जाओ भाई सारे, खन्ना साहब जीतू जी सारे आ जाओ, आ जाओ मिलके कराते हैं जो करवाना। तो अर्चना जी आप ही से शुरुआत करेंगे, कितना चंदा देंगी आप इन्हें? आई थॉट बिगिनिंग वॉज वेरी वीक, हाँ आई वॉज होपिंग कि कुछ नया होगा, लेकिन कुछ नया नहीं हुआ शुरू शुरू में। लेकिन मुझे एंड में जो आपने वो, आई थिंक द एंडिंग वॉज द हाईलाइट ऑफ योर एक्ट कृष्णा, योर जीतू जी इज हिलेरियस, वेरी नाइस, गुड एक्ट। अब जिस लेवल का परफॉर्मेंस आप लोग देते आए हैं, मतलब उस लेवल का परफॉर्मेंस आज था नहीं, और शायद ये बात आप लोग भी जानते हैं। ओवरऑल ऑब्वियसली आप लोग सारे ही अच्छे एक्टर्स हैं, तो आप लोग इस एक्ट को खींच के ले गए, परफॉर्मेंस आपने अपना जितना दे सकते थे आपने लोगों ने परफॉर्म किया ईमानदारी के साथ, बट जो आप लोगों का मैजिक होता है वो नहीं था आज। तो अर्चना ग्रेनेड 8 points, आई आल्सो गिव 8 points। हमारी 4 तिकड़ियों के लिए। और अब वक्त आ गया है 1 तिकड़ी को अलविदा कहने का, यानी एलिमिनेशन। आज की लो स्कोरिंग तिकड़ियों में से पहली तिकड़ी है शरद, परेश और भारती आप, और दूसरी तिकड़ी सुदेश, कृष्णा, मिलिसा आप हो सकते हैं, या फिर राजीव, सलोनी, स्मिता आप। क्योंकि आई नो आप सब काफी शॉक लग रहे हैं, राजीव, स्मिता, सलोनी आपके स्कोर्स को मिलाकर 24 पॉइंट्स है आपका टोटल। कृष्णा, मिलिसा, सुदेश जी आपके स्कोर को मिलाकर आपका भी टोटल 24 पॉइंट्स है, यानी आप दोनों में टाई है। और शरद, परेश, भारती अगला लो स्कोर आपका है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन 3 तिकड़ियों में से कौन है वो 2 तिकड़ियां जो जाएंगी हमारे डेंजर जोन में। तो आज के इस सेमीफिनाले के मौके पर हमने डिसाइड किया है
कि इन चारों तिकड़ियों को हम भेज रहे हैं हमारे फिनाले में। आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। जाने से पहले हमारा कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट देखते जाइए। अर्चना, कुछ याद आया? एक तुम्हारे वक्त शादी में डोली उठाने में प्रॉब्लम हुई थी और एक आज हो रही है। अर्चना की भी डोली तुम दोनों ने उठाई थी? और नहीं तो क्या, अर्चना को देख के तो डोली की चीख निकल गई थी। कहने लगी, इतने बड़े बड़े डोले वाली को कहां डोली में घुसेड़ रहे हो? हाय रब्बा, ऐसे लोगों की भी शादी होती है? अरे सुनो, चांद के साथ साथ पति की भी पूजा करनी पड़ती है। अबे तो तू बीच में क्यों फुदक रहा है, इसके पति को आने देना। ए? मैं इसका पति हूँ। अच्छा, तू पति है? हाँ। पति ऐसा होता है? ऐसा लग रहा है कोई गुजराती थेपला बना रहा था, ये बन गया ये। अब दुआ मत छोड़ो, पटाखे छोड़ो। मेरे पास नहीं है। झूठ, मोहल्ले वाले कहते हैं तुम्हारे पापा के पास बहुत मस्त पटाखा है। न खुद चलाता है न हमें चलाने देता है। एक काम करो, गेट आउट फ्रॉम हियर। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना ये लोग। अबे चिरकुंडे, तुझे बोल रहा हूँ, तू गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल इधर से। आपकी गाड़ी कहाँ है? अरे मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है। चलो। तो हमारी चार तिकड़ियां आज करेंगी सेलिब्रेट, क्योंकि वो पहुंच गई है कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का के ग्रैंड फिनाले में। अगले हफ्ते होगा इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन, जब सब होंगे हमारे साथ हमारे सीजन 3 कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का के ग्रैंड फिनाले में। तो देखना ना भूलिएगा, कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.